हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सीसी वेरे गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाउन हॉल 10 की वीच बॉलर वाली अटैक की स्ट्रेटजी, जो कि टाउन हॉल 10 के किसी भी सिंगल टारगेट बेस को आप इस स्ट्रेटजी का यूज करके इजीली 3 स्टार ले सकते हैं, क्योंकि ये आर्मी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, चाहे बेस डिजाइन कैसा भी हो आप उस पर इजीली 3 स्टार ले लेंगे। बस इन्फर्नो जो है वो सिंगल टारगेट पे होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फर्नो मल्टी टारगेट पे हुआ तो वो हमारे बीचेस को रोस्ट कर देता है। आप इसका ट्राई मल्टी टारगेट वाले इन्फर्नो पे ना करें, क्योंकि वहाँ पे अटैक फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। आप इस स्ट्रेटजी का यूज वॉर के लिए कर सकते हैं, फार्मिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डार्क लेजर लेता है, तो आप इससे फार्मिंग तो मत ही करिए। वार के लिए ये बहुत ही अच्छी आर्मी है, किसी भी सिंगल टारगेट वाले बेस को इजीली 3 स्टार ले लेगी। तो अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, आपको कितने लेवल के हीरो चाहिए इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए। तो आपकी क्वीन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वीन आपकी लगभग 30 या फिर 30 प्लस होनी चाहिए, और किंग 25 का लेवल का भी है तब भी चलेगा। फिर उसके बाद आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, वो है आर्मी कंपोजिशन। तो आप इस वीडियो में देख ही पा रहे होंगे क्या है आर्मी कंपोजिशन। आपको यही सारे आर्मी कंपोजिशन लेके जाने हैं, और आपको सीसी में लेके जाना है 1 जाइंट, 5 बॉलर और 1 जो है वो बैट स्पेल, वो बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। और आप सीज मशीन में वॉल रेकर या फिर लॉग लॉन्चर दोनों का यूज कर सकते हैं। वॉल रेकर ज्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि वो सीधे बेस के कोर तक आपके सारे ट्रुप्सों को ले जाता है। आर्मी कंपोजिशन के बाद हम चलते हैं सीधे अटैक रिप्ले की तरफ, वहाँ मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको कैसे किन ट्रुप्सों का यूज करना है और कैसे ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। तो गाइज, हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट अटैक रिप्ले में। ये देख ही सकते हैं, एक TH-10 का मैक्स बेस है और साथ में सिंगल टारगेट है। इस अटैक में सबसे पहले आपको क्वीन चर्च से अटैक स्टार्ट करना है। क्वीन चर्च किसी भी एक कॉर्नर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको क्वीन चर्च को जिस साइड में आप ले जाना चाह रहे हो उसके ठीक अपोजिट साइड में आपको एक विजार्ड या फिर बेबी ड्रैगन दे देना है, ताकि हम क्वीन को जिस साइड पे ले जाना चाह रहे हो उस साइड पे ले जा सके। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया, आपको लेट नहीं करना है, आप पहले ही डाल दीजिए। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपके विजार्ड मरे नहीं, फनल अच्छे से क्रिएट हो जाना चाहिए। तो जैसे ये लेफ्ट साइड में फनल क्रिएट हो चुका था, तो मैंने अब राइट साइड में फनल क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे मैंने विजार्ड से इजीली फनल क्रिएट कर लिया, और अगर विजार्ड फनल नहीं क्रिएट कर पाते हैं तो आपको अपने किंग का यूज कर देना है, किंग इजीली फनल क्रिएट कर देगा। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं, मैंने किंग का यूज कर दिया फनल क्रिएट करने के लिए। तो हमारे क्वीन पे बहुत ही ज़्यादा देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो रहा था, तो वहाँ हमने रेज स्पेल का यूज कर दिया, ताकि हमारी क्वीन इजीली सारे डिफेंसेस को टैकल कर ले। लेकिन हमारे हीलर्स जो है वो रेज के अंदर नहीं थे, तो इसलिए हमें अपनी क्वीन की एबिलिटी यूज करनी पड़ी। आप जब भी क्वीन वॉक कर रहे हो तो हमेशा आप प्रेफर करिए कि अपने हीलर्स पे रेज स्पेल का यूज करिए, ताकि हीलर्स हमारी क्वीन की हेल्थ जल्दी जल्दी फिल कर सके। तो यहाँ पे फनल अच्छे से क्रिएट हो चुका था, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में थे, तो मैंने बीच से एक वॉल ब्रेकर डिप्लॉय कर दिया और उसके पीछे से सारे के सारे ट्रुप्सों को डिप्लॉय कर दिया। आप देख सकते हैं एक सीधे स्ट्रेट पाथ में आप हमारे सारे के सारे ट्रुप्स जाएंगे, इतनी अच्छी तरीके से फनल हो चुका था। लेकिन क्वीन पता नहीं कहाँ वॉल तड़ रही थी, यहाँ पे वॉल पहले ही ब्रेक हो चुका था, तब भी वो पता नहीं कहाँ वॉल तोड़ रही थी, तो वो तोड़ के फाइनली अंदर आ चुकी थी। तो सीसी वाली टेंशन वाली बात नहीं है, सीसी को मारने के लिए हमारे बीचेस काफ़ी है, एक फ्रीज दे देंगे तो इजीली सीसी डाउन हो जाएगा। सिंगल टारगेट ने हमारे क्वीन पे फोकस कर लिया था, तो इसलिए हमने सिंगल टारगेट को फ्रीज कर दिया, क्योंकि क्वीन हमारी ये ज़्यादा देर तक अलाइव रहे। तो यहाँ देख सकते हैं, अगर आपके पास डबल रेज रहता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक रेज स्पेल का यूज कर सकते थे, और फिर जैसे ही आपके सीसी ब्रेक होता वहाँ पे यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक ही रेज था, तो मैंने सीसी ब्रेक होने का वेट किया, फिर वहीं पे रेज स्पेल का यूज किया। तो आप देख सकते हैं, जैसे ही वहाँ पे आप रेज स्पेल का यूज करेंगे, बेस में ज़्यादा कुछ ऐसा बचेगा ही नहीं जो हमारे ट्रुप्सों के रूप पाए, जैसे बैट्स को, तो यहाँ पे सारे के सारे बैट्स डाउन हो चुके थे। आपको अटैक स्टार्ट करते समय एक ध्यान देना है, आपको जिस साइड में ज़्यादा विजार्ड टावर मिल रहे हो डाउन करने के लिए, आपको उस साइड से अटैक स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ एक ही विजार्ड टावर बचा है, और हमारे पास 3 फ्रीज है, तो मैंने सीधे बैटिंग स्टार्ट कर दी। बैटिंग मैंने एक टेस्ला से स्टार्ट की लगभग 5 o'clock से, तो वहीं से हम सारे के सारे डिफेंसेस को डाउन करते चलेंगे, और जहाँ पे ज़रूरत होगी वहीं पे हम फ्रीज स्पेल का यूज करेंगे। वैसे इस बीच में तो लग नहीं रहा है कि हमें फ्रीज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे डिफेंसेस जो हैं, जो बैट्स को मारने वाले जैसे विजार्ड टावर, वो डाउन ही हो चुका था, सिर्फ 2 टेस्ला बचा था। तो अब फ्रीज स्पेल स्वैग ही हो गया, आपको फ्रीज स्पेल वहीं यूज करना है जहाँ पे आपके बैट्स को ज़्यादा खतरा दिखे, जैसे विजार्ड टावर या फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे टेस्ला है, तो वहाँ पे आप फ्रीज स्पेल का यूज कर सकते हैं। और कभी कभी सीसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आप सीसी को भी फ्रीज कर सकते हैं।
तो आप देख ही सकते हैं ये बेस कितनी इजीली तरह 3 स्टार हो गया। ये बहुत ही आसान अटैक स्टडी है। बस आपका फनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फनल इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे सारे टूल्स बेस के अंदर जाएं। तो अब हम चलते हैं सेकेंड अटैक रिप्ले की तरफ। तो आप ये बेस देखकर पहचान ही गए होंगे, ये स्टेन का मोस्ट पॉपुलर बेस है। तो चलिए इस बेस को 3 स्टार करते हैं। सबसे पहले एक करना से आपको क्वीन चार्ज स्टार्ट कर लेनी है। यहाँ पे क्वीन हमें कॉर्नर में मिल रही थी तो उसको क्वीन को डाउन कर लेते हैं। क्वीन को हमेशा डाउन करते समय आप क्वीन के ऊपर फ्रीज का इस्तेमाल कर दीजिए इनमी वाले, या तो अपने क्वीन को रेज करना पड़ेगा। तो आप रेज का इस्तेमाल नहीं करिए, आप फ्रीज से इजीली इनमी क्वीन को डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन निकल चुका था इनमी के सीसी से, तो हम थोड़ा वेट करते हैं ताकि इलेक्ट्रो ड्रैगन हमारे क्वीन के पास आ जाए और हम अपने क्वीन के थ्रू ही इलेक्ट्रो ड्रैगन को डाउन कर लें। तो आ चुका है पास, हम अपने क्वीन के ऊपर एक रेज स्पेल का इस्तेमाल कर दे रहे हैं। फ्रीज स्पेल बचा के रखेंगे ताकि हम फ्रीज स्पेल का यूज कर सकें जब बैटिंग स्टार्ट करें। तो यहाँ पे फनल क्रिएट हो चुका था, तो मैंने दूसरे साइड किंग का इस्तेमाल कर दिया ताकि वो फनल जल्दी से क्रिएट कर दे हमारे बाकी ट्रुप्सों के लिए, विचेस के लिए। तो यहाँ पे उसने बहुत ही अच्छा फनल क्रिएट कर दिया किंग ने, और हमारे सारे के सारे ट्रुप्स बेस के अंदर आ गए। और सीसी हमारा पहुँच चुका था इनमी टनल के पास, तो वहीं पे हमें रेज स्पेल का इस्तेमाल करना है ताकि हमारे जो सीसी के बॉलर्स हैं वो इनमी के ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसेस को डाउन कर दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बॉलर्स ने, सीसी वाले बॉलर्स ने बहुत ही अच्छा वर्क किया। उसने कोर के सारे डिफेंसेस को डाउन कर दिया, सिर्फ एक सिंगल टारगेट ही बचा था, तो वो हमारी क्वीन इजीली उसको डाउन कर लेगी। तो यहाँ देख सकते हैं अब इस बेस में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अभी हमारे पास 5 बैट्स बचे हैं और 2 फ्रीज बचे हैं, तो ये बेस इजीली क्लियर हो जाएगा बिना बैट्स का यूज किए। तो आप देख ही सकते हैं ये अटैक स्टडी कितनी ज़्यादा पावरफुल है। आप ज़रूर से एक बार ट्राई करिए वॉर में, क्योंकि फार्मिंग के लिए इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, कि बहुत ही ज़्यादा डार्क खाता है, तो आप फार्मिंग में इसका यूज मत ही करिए। अभी मैंने 2 फ्रीज स्पेल का स्वैग भी कर दिया, मैंने बैट्स का भी स्वैग कर दिया। क्या करेंगे, बैट्स का बचाकर आर्मी पूरा बिगड़ जाता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट अटैक में। तो नेक्स्ट बेस दूसरा होने वाला है, ये देख सकते हैं ये एक अच्छा खासा बेस है। मैंने एक कॉर्नर से क्वीन चार्ज स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, मैंने विजार थोड़ा लेट दिया इसलिए क्वीन हमारी दूसरी साइड घूम जाती है। लेकिन तब भी देखिए आप, ये अटैक स्टडी इतनी ज़्यादा पावरफुल है, तब भी ये बेस इजीली ट्रिपल हो जाएगा। मैंने दूसरी साइड से किंग का इस्तेमाल कर दिया, इनमें की क्वीन कॉर्नर में मिल रही थी इसलिए मैंने किंग का अर्ली एबिलिटी यूज कर दिया ताकि हमारे किंग इजीली इनमी के क्वीन को डाउन कर ले और साथ में फनल भी क्रिएट कर ले। फिर जैसे फनल क्रिएट हो जाता है राइट साइड में, मैंने अपने सीज का यूज कर दिया, फिर उसके पीछे से सारे के सारे विचेस बॉलर्स जो भी हैं उनका इस्तेमाल कर दिया। जैसे हमारे सारे के सारे जो ट्रुप्स हैं वो बेस के अंदर जाते हैं, वहीं पर मैं रेज स्पेल का इस्तेमाल करता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी जो मल्टी टारगेट हो वो डाउन हो जाए। फिर उसके बाद जैसे ही हमारे सीसी के बॉलर्स निकलते हैं, मैं अपने सेकेंड रेज स्पेल का इस्तेमाल करता हूँ ताकि वो मिडिल से जो बॉलर्स हैं वो सारे के सारे जो आसपास के हैं सारे के सारे डिफेंसेस उनको डाउन कर ले। तो ये बेस देख सकते हैं कितनी इजीली ट्रिपल हो गया। इसमें भी हमें 2 फ्रीज स्पेल का स्वैग करना पड़ा। तो आप ये ध्यान रखिए, आपको अटैक स्टडी थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, खास करके क्वीन वॉक और फनल, ये 2 इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये बेस कोई भी बेस हो सिंगल टारगेट वाला, वो आप इजीली ट्रिपल कर ले जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैंने TS10 के और भी कई अटैक स्टडी बना रखी है, आप उनको भी चेकआउट करना चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में मैं इंडी स्क्रीन पर भी दे दूंगा। और अगर बेस चाहिए TS10 का तो मैंने बेस पर भी वीडियो बना रखी है फार्मिंग और वॉर दोनों की, आप उनको भी चेकआउट कर लीजिएगा, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो बाय गाइस, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। I'm alone. My own world of make-believe.
Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.